फिल्म में दिखाया जाता है कि एक सुनसान रेगिस्तान ग्रह राकिश जो फ्रीमैन का घर है, वहाँ पर एकमात्र खनिज है जो पूरे यूनिवर्स में चर्चित है। चानी कीने इस इतिहास को बताते हुए कहते हैं कि हर्राकेंस ने फ्रीमैन पर बहुत जुल्म किए हैं, कई एक सालों तक अपना हुकूमत जमाए रखा है। चानी और फ्रीमैन के लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउस हर्राकेंस को अराकिस के शासक के सम्राट सद्दाम चार द्वारा अंत कर दिया जाता है। ये कहानी एक ऐसे समय की है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। ये कहानी पौराणिक भावनात्मक रूप से आवेशित एक हीरो की जर्नी की है। ड्यून पॉल एट्राइटस की कहानी बताती है, जो कि एक ब्रिलियंट और गिफ्टेड लड़का है जो अपने समझ से परे एक महान भाग्य में पैदा हुआ है, जिसे अपने परिवार और लोगों के भविष्य के लिए यूनिवर्स के सबसे खतरनाक ग्रह की यात्रा करनी है। जैसे जैसे अजीबोगरीब ताकतें अस्तित्व में आएंगी, संसाधनों में कमी के कारण मानवता की सबसे बड़ी क्षमता को अनलॉक कर देगी और सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो डरेगा नहीं। कैल्डॉन जो कि एक ग्रह है हाउस एट्राइट्स का, वहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग होती है हाउस एट्राइट्स के हेड लीटो और सम्राट के बीच, जिसमें हाउस एट्राइट्स को अर्राकिस का भार सौंपा जाता है। हाउस एट्राइट्स उसे स्वीकार कर लेता है। लीटो का बेटा पॉल अपने मेंटर डंकन इडाहो को मनाने की कोशिश करता है ताकि वह अगले दिन उसके साथ अर्राकिस की जर्नी कर सके, पर डंकन मना कर देता है। पॉल कहता है कि उसे सपने में अर्राकिस और फ्रीमैन दिखें, और पॉल ये भी बताता है कि उसने डंकन को भी सपनों में मरा पड़ा देखा। डंकन पॉल को खतरे में नहीं डालना चाहता और ना ही लीटो के रूल को ब्रेक करना चाहता है, इसलिए वो फिर से मना कर देता है। पॉल गुस्सा हो जाता है और फादर के पास जाकर बोलता है कि वह भी अर्राकिस जाएगा, पर वो भी उसे मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे पर अभी नहीं। लीटो पॉल से कहता है कि वह अर्राकिस का भविष्य है और पॉल लीटो के साथ उसके काउंसिल में भी बैठेगा। दोनों चर्चा करते हैं कि कैसे उन्हें अर्राकिस पर शासन करने के लिए रेगिस्तान महारत हासिल करना होगा। कुछ दिनों बाद पॉल की माँ जेसिका पॉल को रात में जगाती है और पॉल से कहती है कि मदर गयूस हेलेन उसके अजीब से सपनों के बारे में जानना चाहती है। जेसिका पॉल को कहती है कि मदर गयूस एक रिस्पेक्टेड और हाई रैंकिंग मेंबर हैं बेने गेसेरिट के। पॉल इस बारे में जानता है कि बेने गेसेरिट जासूसों और धर्मशास्त्रियों का एक फीमेल ग्रुप है जिनके पास इन्हेंस्ड पावर है। पॉल एक कमरे में इंटर करता है और मदर गयूस से मिलता है। मदर गयूस पॉल के तरफ एक जहरीली सुई, जिसे मदर गयूस गोम गब्बार के नाम से संबोधित करती है, वह पॉल के गर्दन के पास रखती है और कहती है अगर पॉल टेस्ट में पास हो गया तो ये सुई उसके गर्दन को टच नहीं करेगी, पर अगर फेल हुआ तो एक सुई से उसकी जान भी जा सकती है। वह टेस्ट पास कर जाता है। मदर गयूस उसे बताती है और जेसिका से कहती है कि पॉल द वन है। पॉल द वन के बारे में सुन लेता है और अपनी माँ से पूछता है कि द वन क्या है। उसकी माँ कहती है कि बेने गेसेरिट सदियों से रक्तपात में हेर फेर कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा व्यक्ति बनाया जा सके जो घरों में शांति लाने में सक्षम हो। वह कहती है कि कुछ का मानना है कि द वन पहले से ही यहाँ है। एक सप्ताह बाद हाउस एट्राइट्स अपने सोल्जर के साथ अर्राकिस पहुंचता है। उसके स्वागत के लिए पहले से भेजे गए सोल्जर्स और फ्रीमैन के द्वारा किया जाता है। वे लोग जोर जोर से लिसन अलगेब चिल्ला रहे होते हैं। पॉल अपनी माँ से इसका अर्थ पूछता है। उसकी माँ जवाब में कहती है कि इसका मतलब है मसीहा। और जेसिका से बात करने के बाद मदर गयूस हाउस हर्राकिस के होम वर्ल्ड गिदी प्राइम की ओर चली जाती है और बताती है कि सम्राट अर्राकिस से हाउस एट्राइट्स को हराने के लिए उनके लड़ाई को सपोर्ट करेगी। मदर गयूस बताती है कि जेसिका और पॉल दोनों बेने गेसेरिट के प्रोटेक्शन में हैं। व्लादिमीर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मदर गयूस के वहाँ से जाने के बाद वह क्लियर कर देता है कि वे अर्राकिस में सेफ नहीं है। अर्राकिस में लेटो और उसके साथ आए पॉल और जेसिका के आगमन के कुछ दिनों बाद ही लेटो को इन्फॉर्म किया जाता है कि हार्कोनन द्वारा छोड़े गए इक्विपमेंट्स घटिया हैं और उसमें से अधिकांश खराब हैं। लेटो को लगने लगता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा जाल बिछाया ताकि हम फेल हो जाएं। फिर भी लेटो पॉल और बाकी हाउस हेड को एक ऑपरेशन टूर के लिए इनवाइट किया जाता है, जिसमें डॉक्टर लीड काइंस के द्वारा रेगिस्तान के खनिजों के हार्वेस्टर को दिखाया जाता है। हालांकि समस्या तब होती है जब एक सैंड ओम हार्वेस्टर के पास आता है, जो हार्वेस्टर के द्वारा एक कंटिन्यूस साउंड से निकलता है। कैरी ऑल के फेल हो जाने के बाद हार्वेस्टर लिफ्ट नहीं हो पाता और वहीं पर गिर जाता है। लीटो ऑर्डर देता है कि हम लोग मिलकर हार्वेस्टर में फंसे 21 लोगों को बचाएंगे।
आगे की समस्या तब उत्पन्न होती है जब पॉल लगभग सैंडवर्म का शिकार हो जाता है, लेकिन खनिज के कॉन्टैक्ट में सांस लेने से उसकी देखने की शक्ति तेज हो जाती है। पॉल को कोई मारने का कोशिश करता है पर यह प्रयास फेल हो जाता है। लेटो गार्ड्स को हाई अलर्ट पर रख देता है। केवल कुछ दिनों बाद गद्दार विलिंगटन यू एक सुख डॉक्टर और जेसिका के दोस्त के रूप में सामने आता है। यू शील्ड को तोड़ देता है और तो और एट्राइटस के कम्युनिकेशन सेंटर को भी बंद कर देता है, जिसके कारण हरकोनन और सरदोकर सोल्जर्स गठबंधन बनाकर सिटी पर हमला कर देते हैं। हजारों एट्राइटस सोल्जर्स मारे जाते हैं और एट्राइटस का गढ़ गिर जाता है। यू लेटो को कमज़ोर कर देता है और बताता है कि बैरन व्लादिमीर हाउस हरकोनन के शासक ने उसकी पत्नी को कैद कर रखा है और उसने अपनी पत्नी को पाने के लिए ड्यूक के जीवन के साथ सौदा किया है। यू ने लेटो के रिंग में एक तूत निकालकर उसे जहर वाले तूत से बदल देता है और कहता है कि जब आप बैरन के काफ़ी करीब होंगे तो इस तूत को कसकर प्रेस कीजिएगा, इसमें से पॉइजन निकलकर बाहर आ जाएगा जिससे ड्यूक और बैरन दोनों मारा जाएगा। आक्रमण के दौरान जेसिका और पोल को हरकोनन सोल्जर के द्वारा बंधक बना लिया जाता है। उन्हें जहाज से रेगिस्तान में निकालने का प्लान बनाया जाता है। अपनी माँ को सोल्जर्स के द्वारा रेप से बचाने के लिए बेताब प्रयास में पॉल बेने गेसेरिट की आवाज़ का यूज़ करता है, जिससे उसकी माँ को छोड़ दिया जा सके और सोल्जर्स को कमांड दिया जा सके कि वे एक दूसरे को मार दें। जेसिका और पोल दोनों रेगिस्तान में भागने में सफल हो जाते हैं, जहाँ उन्हें यू के द्वारा छोड़ा गया कीट मिलता है। जैसे ही दोनों रेगिस्तान में सोते हैं, यह जल्दी से दोनों के लिए स्पष्ट हो जाता है कि लेटो मर चुका है। जब उन्हें कीट में हाउस एट्राइटस सिग्नेट रिंग मिलता है, नतीजतन जेसिका पॉल को नए ड्यूक ऑफ एट्राइटस के रूप में वेलकम करती है। इसी बीच अराकेन में यू सौदेबाजी के अपने हिस्से को पूरा करने और ड्यूक को बैरन तक पहुंचाने के बावजूद बैरन उसे मार देता है और बैरन कहता है कि उसे उसकी पत्नी के पास ही भेज रहा है। थोड़ी देर बाद लेटो वहीं पड़ा होता है। बैरन कहता है कि तुम्हारी पत्नी और बेटा मारे गए हैं। लेटो उस जहरीले दांत को क्रश करता है और उसमें से जहरीली गैस निकलने लगती है। अधिकतर लोगों की तुरंत वहां पर मौत हो जाती है, पर बैरन बच जाता है और तुरंत गार्ड को तैनात कर देता है। बाद में वह हीलर के एक ग्रुप में छिप जाता है, जो उसे काले तेल के एक कुंड में डुबो देते हैं। रब्बन बैरन को एक रिपोर्ट देता है जो बैरन को बताता है कि पॉल और जेसिका हरा न पाने वाले शक्ति के रेतीली तूफान में उड़ गए और बच नहीं सके। लंबी रात के बाद अकेले रेगिस्तान में जेसिका और पोल को डंगन खोज लेता है। उन दोनों को एक पुराने शोध केंद्र में लाता है और जहां वे काइंस से मिलते हैं। काइंस बताता है कि अराकिन्स में जीवन और हरियाली लाने के लिए रिसर्च स्टेशन बनाया गया था, लेकिन खनिज के खोज के बाद रेगिस्तान के पक्ष में इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया था। हरकोनन के आगमन के कुछ समय बाद ये स्टेशन सरदोकर सोल्जर्स के द्वारा खोजा गया। हमले में बहुत सारे फ्रीमैन मारे गए, डंकन भी मारा गया। काइंस, जेसिका और पॉल उस फैसिलिटी से भाग जाते हैं, पर काइंस जल्द ही सोल्जर्स द्वारा पकड़ ली जाती है और उसके छाती पर छुरा घोंप दिया जाता है। हाउस एट्राइटस को बचाने के लिए काइंस जमीन को थपथपाती है, जिससे सैंड ओम अट्रैक्ट हो जाता है और खुद को और सोल्जर्स को निर्दयी प्राणी द्वारा निगलने की अनुमति दे देती है। फैसिलिटी से भागने और ऑर्निथोप्टर चोरी करने के बाद पॉल और जेसिका का ऑर्निथोप्टर क्रैश हो जाता है। डर है कि वे एक रेतीले कीड़े द्वारा खा लिए जाते हैं, पर चट्टानों में फंसे पड़े होते हैं। उधर पॉल खुद को एक रेतीले कीड़े के साथ आमने सामने पाता है। वह सरप्राइज हो जाता है कि वह कीड़ा उसे मारने के बजाय उसे खड़ा देख रहा होता है। किसी के द्वारा पास पड़े थम्पर को एक्टिवेट करते ही कीड़ा विचलित हो जाता है। पॉल जेसिका को सचेत करने के लिए इशारा करता है कि वह अकेले नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद फ्रीमैन वे दोनों को घेर लेते हैं। फ्रीमैन के लीडर स्टीलगार होता है, पर पॉल चानी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह वही लड़की है जिसे पॉल सपनों में देखा करता था। स्टीलगार के ट्राइब पॉल और जेसिका को अपने ट्राइब में अलाउ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब जेसिका कहती है कि हम दोनों एक अच्छे फाइटर हैं, तब वे सब मान जाते हैं। पर उसी ट्राइब का एक मेंबर जेमिस उन्हें शामिल न करने का विरोध करता है और जेसिका को एक फाइट के लिए चैलेंज देता है। यह देखते हुए भी कि जेसिका एक महिला है, वह लड़ने में असमर्थ है और पोल को फोर्स किया जाता है कि वह उसे रिप्रेजेंट करे।
एक स्किल्ड फाइटर होने के बाद भी जेमिस पॉल को हरा नहीं पाता है और फिर पॉल के द्वारा फाइट में जेमिस मार दिया जाता है। जेसिका मना करती है फ्रीमैन के ट्राइब में ज्वाइन होने पर पॉल कहता है कि यह मेरा मुकद्दर ही है इस रास्ते पर चलना, और मैं चलूँगा। और फिर दोनों शांति लाने के उद्देश्य से फ्रीमैन के जर्नी में शामिल हो जाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा पर यह कहानी फ्रैंक हर्बर्ट के ओरिजिनल नोवेल से लिया गया है। यह नोवेल का फर्स्ट पार्ट था। आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।